हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली टेक ज्ञान में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सूरज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने विंडो का पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, जब भी कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाएं या किसी और ने आपका पासवर्ड चेंज कर दिया हो। इसके लिए एक फ्री सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जिसका नाम है हेरेन बूट। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपना पासवर्ड भूल जाने के बाद, यानी कि आपका विंडो लॉक हो गया है, उसके बाद भी आप किसी दूसरे के पीसी में भी इस सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं और उसके बाद अपना विंडो अनलॉक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा अकाउंट है और मैं इसका पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो मैं इसे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ बट ये लॉगिन होगा नहीं क्योंकि ये पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो मैं एक दूसरे पीसी में, किसी भी दूसरे पीसी में जाकर इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसके लिए आपको एक पेन ड्राइव की ज़रूरत होगी जिसकी स्पेस कम से कम 4 GB से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये सॉफ्टवेयर जो है हेरेन बूट, इसे डाउनलोड कर लीजिए आप। ये फ्री में अवेलेबल है ऑनलाइन, मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दे दूँगा। तो ये दो चीज़ें चाहिए और एक रिफस सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ये भी बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, फ्री में अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको करना है। सबसे पहले आप पेन ड्राइव जो है, खाली पेन ड्राइव है, उसे आप अपने पीसी में लगा दीजिए। और अगर वो फॉर्मेट किया हुआ पेन ड्राइव है तो और बेटर है। जैसे कि मेरा पेन ड्राइव है हेरेन बूट, मैंने लगा दिया है। अब रिफस सॉफ्टवेयर को आप ओपन कीजिए, इसे ओपन कीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए। ओके, ये हो गया, ओपन हो गया है। उसके बाद जो हमने हेरेन बूट सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, वो जिप फाइल में डाउनलोड हुआ है उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। कोशिश कीजिए उसे आप डेस्कटॉप पे ही एक्सट्रैक्ट कर लीजिए क्योंकि वो बेटर रहेगा आपके लिए। और मैं इसे डेस्कटॉप पे ही एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है और ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। देखिए इस तरह का फोल्डर ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद बन जाएगा ये। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें ये रहा हमारा, काफ़ी सॉफ्टवेयर इसमें अवेलेबल है। और इसमें एक ऊपर वाला जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू आप इस सॉफ्टवेयर को सीडी ड्राइव, अगर आपके पीसी में सीडी ड्राइव है तो उसमें भी बूटेबल सीडी बना सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये एक इनबिल्ट आपको सॉफ्टवेयर भी दिया गया है। और अगर आपके पास सीडी ड्राइव नहीं है तो आप इसे यूएसबी में भी, एक बूटेबल यूएसबी के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं अपने। जैसे कि ये देखिए लास्ट वाला जो ये हेरेन बूट आईएसओ फाइल है, इसे हमें एक बूटेबल पेन ड्राइव में इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हमें वो रिफस जो सॉफ्टवेयर मैंने बताया था उसकी ज़रूरत है। तो अब हम मैं बताता हूँ आपको कि रूफिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कैसे एक पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं और हेरेन बूट उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ रूफिस सॉफ्टवेयर को। इसमें सबसे पहले तो आपको ऊपर जाकर अपना जो पेन ड्राइव है जो आपने इंस्टॉल किया है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा जो पेन ड्राइव है 16 GB का, मैंने वो सेलेक्ट किया ही हुआ है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, और अगर नहीं डिटेक्ट कर रहा है तो आप इसे, बाकी किसी चीज़ को आप टच मत कीजिएगा, बाकी सब चीज़ों को वैसे ही रहने दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्री डॉस है, इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, आईएसओ फॉर्मेट में करना पड़ेगा आईएसओ इमेज, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद राइट साइड में एक छोटा सा बॉक्स आप देख रहे हैं, उस पर आपको क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर आईएसओ इमेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपका आईएसओ इमेज डेस्कटॉप पर है, आप देख रहे हैं इस फोल्डर के अंदर, तो इस पर क्लिक कीजिए, एक नया विंडो खुलेगा। उसके बाद आप डेस्कटॉप क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप में आपका हेरेन बूट जो फोल्डर है उसके अंदर आपका आईएसओ फाइल है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद इसे नीचे ओपन कर लीजिए, तो ये आपके जो रिफस सॉफ्टवेयर है उसमें लोड हो जाएगा। तो ये लोड हो चुका है और उसके बाद आप चेक कर लीजिए दोबारा आपकी पेन ड्राइव सही है। और उसके बाद आप नीचे जो ऑप्शन दिखा रहा है स्टार्ट का, उसे दबा दीजिए। तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ये अपने आप उस पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बना देगा जो भी आपने पेन ड्राइव लगाई है पीसी में। और ध्यान दीजिएगा उस पेन ड्राइव में कोई डेटा नहीं होना चाहिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बूटेबल बनाने से पहले उसको फॉर्मेट करेगा उस पेन ड्राइव को, तो आप उसमें कोई डेटा मत रखिएगा। इसे ओके कर देते हैं हम। और इसके बाद देखिए ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ये उस पेन ड्राइव को पहले फॉर्मेट करता है उसके बाद उसे बूटेबल बनाता है। तो ये प्रोसेस लगभग 3 मिनट का है, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इसे, और ये लगभग 3 मिनट लगते हैं इसे। तो ये फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने, देखिए ये ख़त्म होने वाला है प्रोसेस। और देखिए ये हमारा जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल हो चुका है।
तो इसे लगभग 2 से ज़्यादा मिनट लगे हैं। और इसे क्लोज़ कर दीजिए, उसके बाद माई कंप्यूटर में जाइए। अगर आपको चेक करना है कि आपकी पेन ड्राइव बूटेबल हुई है कि नहीं हुई है, तो आप एक बार पेन ड्राइव को इजेक्ट कीजिए। इजेक्ट करने के बाद, जैसे मैंने इजेक्ट कर दिया है, और इसके बाद दोबारा बाहर निकाल कर पेन ड्राइव को दोबारा इसके पीसी में आपने लगाइए, यूएसबी स्लॉट में। तो जब आप यूएसबी स्लॉट में दोबारा पेन ड्राइव को लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो पेन ड्राइव का आइकन है वो चेंज हो गया। देखिए, इस तरीके से ये पेन ड्राइव का आइकन चेंज हो गया। दैट मीन्स जो आपकी पेन ड्राइव है वो बूटेबल हो चुकी है। तो अब हम पीसी को रीस्टार्ट करते हैं, और जिस विंडो का आप पासवर्ड भूल चुके हैं उस में आप ये बूटेबल पेन ड्राइव लगा दीजिए। तो अब मैं रीस्टार्ट करता हूँ। जिस आपका जो पर्सनल पीसी है जिसका पासवर्ड भूल चुके हैं उसमें ये पेन ड्राइव लगाइए, क्योंकि पेन ड्राइव अब रेडी हो चुकी है पासवर्ड अनलॉक करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा पीसी है जिसका पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ, तो एस्केप बटन दबाइए ड्यूरिंग रीस्टार्ट। एस्केप या F2, सब पीसी में अलग अलग होता है। तो आप बूटेबल ऑप्शन में आपकी पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मेरी पेन ड्राइव है जेनरिक SD, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो बूट हो रही है ये मेरी पेन ड्राइव से। तो आप देख रहे हैं कि ये हेरन बूट जो हमने इंस्टॉल किया था पेन ड्राइव में, उस सारा ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है। तो हमें यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बूट फ्रॉम हार्ड ड्राइव, विंडो XP, डॉस प्रोग्राम्स, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऑप्शंस हमारे पास है। बट हम आज बेसिकली बात करेंगे कि आपका जो पासवर्ड है, एडमिन पासवर्ड, उसे हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं, जो आप भूल चुके हैं या किसी और ने चेंज कर दिया। तो आप मिनी XP, विंडो XP सेलेक्ट कीजिए, मिनी विंडो XP, इसे सेलेक्ट कीजिए और एंटर दबा दीजिए। तो ये देखिए लोड हो रहा है, लोडिंग मिनी विंडो XP। तो इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे फॉर्मेट में काम करता है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। तो ये आप, मैंने खुद इसे विंडो 10 पे इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं HBCD मेनू, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करते ही ये नया विंडो ओपन होगा। ये देखिए यहाँ पे आपको जाना है प्रोग्राम्स में। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में इसमें एक दिया है ऑप्शन प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम करेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं ड्रॉप डाउन, तो इसमें आपको जाना है पासवर्ड एंड कीज़ में। आप देखिए नीचे आइए और पासवर्ड एंड कीज़ में आप गए, तो उसके बाद प्रोडक्ट की सबसे ऊपर है, उसके बाद है विंडो लॉगिन। तो आपको सेकेंड ऑप्शन में जाना है विंडो लॉगिन, राइट साइड में जो सेकेंड ऑप्शन है विंडो लॉगिन, उसमें जाइए। उसमें जाएंगे आप, देखिए राइट साइड में प्रोडक्ट की के बाद विंडो लॉगिन है, उसमें आप जाइए। फिर उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है ऑटो लॉगिन के नीचे जो आ रहा है रीसेट XP/Vista/7 यूज़र पासवर्ड, इसमें जाइए। तो इसमें तो आप नहीं दिया हुआ है विंडो 10 के बारे में, बट मैंने खुद इसे विंडो 10 में इस्तेमाल करके देख चुका हूँ, ये विंडो 10 का भी पासवर्ड चेंज कर देता है। तो उस पर क्लिक किया हमने, तो ये नया एक विंडो ओपन हुआ है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि क्या हुआ, जब आपकी USB बूट हुई तो उसने क्या है, सारे जो ड्राइव लेटर है उसे चेंज कर दिया। मतलब आपका सी ड्राइव कोई और ड्राइव हो गया है, डी ड्राइव कोई और ड्राइव हो गया, सी ड्राइव जिसमें बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो हमें सेलेक्ट करना है कि सी आपका जो सी ड्राइव है कौन सा है। तो इसके लिए माई कंप्यूटर ओपन कीजिए। माई कंप्यूटर में आप देखेंगे आपको सी ड्राइव सेलेक्ट पता करना है कि कौन सी आपकी सी ड्राइव है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो जिसमें जो भी सी ड्राइव होगी उसमें आपको बेसिकली चार चीज़ें पक्का मिलेंगी, प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम 86, विंडो और यूज़र। ये चार फोल्डर आपको पक्का मिलेंगे जिस भी ड्राइव में आपकी विंडो इंस्टॉल्ड है। तो हम सारे डिस्क ओपन करके देखते हैं। तो देखिए मैंने जो प्रीवियस डिस्क ओपन की थी उसमें भी ये सब फाइल्स नहीं है, इसमें भी नहीं है। फिर मैं आई ओपन करता हूँ अभी लोकल डिस्क, तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने आई ओपन किया तो देखिए मेरे पास प्रोग्राम फाइल्स भी है, प्रोग्राम 86 भी है, यूज़र भी है, विंडो भी है। दैट मीन्स जो मेरा विंडो है वो इसमें इंस्टॉल्ड है, मेरा जो यूज़र अकाउंट है, एडमिन अकाउंट, वो इस ड्राइव में है। तो मुझे ये ड्राइव सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो सी की जगह जो ये बूट हुआ है जो पेन ड्राइव, तो उसने ड्राइव चेंज कर दिया, लेटर चेंज कर दिए हैं, उसने सी को सिस्टम रिजर्व बना दिया, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब मैं यहाँ पे सी की जगह आई कर देता हूँ, क्योंकि आई में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो सी की जगह मैं आई टाइप कर देता हूँ, डिलीट करके इसे आई लिख देता हूँ, कैपिटल आई लिखिएगा। यह हर पीसी में अलग अलग होगा। तो उसके बाद आप रीओपन कीजिए। आप रीओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे जितने भी अकाउंट है उस ड्राइव में वो सारे हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट भी है ज्योति पूजा, आप देख रहे हैं ये मेरा एडमिन अकाउंट है मेरे विंडो का, जो हमने पहले देखा था खुल नहीं रहा था, जिसका लॉक पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ।
तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसका पासवर्ड मुझे अनलॉक करना है। और इसको मुझे यहाँ पे देख रही हैं आप, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, तो मैं चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए मुझे नया पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, तो इस तरीके से मैं उसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, अनलॉक कर सकता हूँ। तो मैं अब यहाँ जो भी पासवर्ड डालूँगा वही पासवर्ड मेरा एडमिन अकाउंट का पासवर्ड होगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, कैपिटल में डाल देता हूँ QWERT, और इसे ओके दबा देता हूँ। तो इस तरीके से आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब यहाँ सेव चेंजेस कर देते हैं, सेव चेंजेस, और उसके बाद एग्जिट कर देते हैं। तो इतना ही प्रोसेस आपको करना है जो भी विंडो आप पीसी का पासवर्ड आप भूल चुके हैं उसमें। तो उसके बाद हम मैं रीस्टार्ट करता हूँ पीसी को, और ड्यूरिंग रीस्टार्ट आप अपना पेन ड्राइव अब निकाल लीजिएगा पीसी से। अब आपको नॉर्मल आप अपने हार्ड ड्राइव से बूटअप कीजिए अपने पीसी को। यहाँ शट डाउन है, मैं रीस्टार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद नॉर्मल बूटअप करता हूँ। पेन ड्राइव प्लीज़ ड्यूरिंग रीस्टार्ट पेन ड्राइव को निकाल लीजिएगा, अब हमें पेन ड्राइव से बूटअप नहीं करना है। तो ओके कर देता हूँ, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ओके कर दिया मैंने। तो ये पीसी रीस्टार्ट हो रहा है। अब देखिए मेरा जो अकाउंट है ये ओपन हो गया है। अब इसमें मैं वो पासवर्ड डालूँगा जो मैंने हेरन बूट में जाके चेंज किया था। कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ और QWERT, ये देखिए पासवर्ड मेरा है QWERT मैंने जो चेंज किया था, और एंटर दबा देता हूँ। तो हम देखते हैं ये ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखिए ये थोड़ा टाइम ले रहा है, और ये देखिए मेरा जो विंडो का एडमिन पासवर्ड है वो चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप हेरन बूट के थ्रू आप अपना पासवर्ड, जो एडमिन पासवर्ड जो आप भूल चुके हैं उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली दो सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हेरन बूट और रूफस, अगर आप पेनड्राइव में बूटेबल बनाना चाहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।